क्या आप दोस्तों ट्रेडिंग में तेज और छोटे मुनाफों की तलाश में हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा कि जिसके अंदर आप जो है छोटे छोटे प्रॉफिट बनाकर एक बड़ा प्रॉफिट कैरी कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, चाहे आपके पास कम कैपिटल है या फिर ज़्यादा कैपिटल है, आप इससे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप लोग आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग के अंदर। इससे पहले अगर आपको स्कैल्पिंग के बारे में नहीं पता है कि स्कैल्पिंग दरअसल होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, तो हमने अपने चैनल के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। आप चाहें तो वहां पर जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले बेसिक से शुरुआत करिए, तब जाकर एडवांस पर आइएगा। अब ये थोड़ा एडवांस क्लास की जो वीडियो है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने किस तरीके का मूवमेंट किया। मार्केट के अंदर सबसे पहले आप अपना चार्ट एकदम क्लीन रखिए। क्लीन रख लिया आपने, जो स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं, मान लीजिए हम 5 EMA यूज करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर और स्कैल्पिंग के जरिए ही करते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या बोलती है? हमारी स्ट्रेटजी ये बोलती है कि हमें यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल का लो क्रॉस होता है, जैसे ही ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल का लो क्रॉस होता है और ये रहा इस कैंडल का हाई के आसपास हम SL रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे बाइंग। ठीक है दोस्तों, ये इतना काम हमने कर लिया, ये काम हमने शुरू से स्ट्रेटजी को सीखा हुआ है और हमने स्ट्रेटजी बैक टेस्ट किया है। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेटजी, ठीक, ये है हमारे पास। दूसरा हमारे पास कैपिटल, क्या कैपिटल है आपके पास? अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा कैपिटल करके ट्रेड करते हैं, तो छोटे कैपिटल से देखिए, 10,000 से 1 लाख तक ले जाना, 10,000 से 1 लाख तक का जब कैपिटल लेकर जाते हैं तो रुकिए, थोड़ा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ मिनट देखिए, 10,000 से आप लोग जब 1 लाख तक लेकर जाते हैं कैपिटल, ठीक, तो इसके अंदर आपको रिस्क जो है, रिस्क रिवॉर्ड, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखना होता है। बिल्कुल गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर ये सोच रहे हैं कि हाँ चलिए आज के दिन मैं कोई भी रैंडम ट्रेड ले लूं, तो यह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है। इसके अंदर जब आपका कैपिटल छोटा है तो आपको डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहना होगा, डिसिप्लिन फॉलो करना होगा आपको बहुत ज्यादा। और वैसे ज्यादा कैपिटल के अंदर भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, पर यह है कि अगर इस जैसे ये मूवमेंट है और यहां पर मान लीजिए आपने 1800 क्वांटिटियां ले ली, 1800 क्वांटिटियों की पुट बाय कर ली और यहाँ से ये दो ही कैंडल बनी ना, जैसे इतना सा मूवमेंट दी, यहाँ पर आपके 1800 क्वांटिटी में 2,000 से 3,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, ये इजी तरीका होता है क्योंकि कैपिटल आपने लगाया और एकदम से रिवॉर्ड मिल गया। और अगर हमारा 2-3 हजार में हम संतुष्ट हैं, उन 2-3 हजार के अंदर अगर हम संतुष्ट हैं, तो यहां पर ये चीज आती है कि सिर्फ और सिर्फ 2-3 हजार लेकर हम मार्केट से निकल जाएं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल है बिल्कुल कैपिटल। तीसरी चीज हमारा रिस्क रिवॉर्ड, क्या रिस्क रिवॉर्ड हमारे पास है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों? अगर आपका कैपिटल मान लीजिए 1 लाख का है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड ऐसे निकालेंगे कि 2,000 रुपये और 2,000 रुपये के बदले आप कितना मार्केट से लेंगे, यहां पर हो सकता है 7 से 8 हजार। ठीक है दोस्तों, 7,000 से 8,000 डेली बेसिस के ऊपर 2,000 रुपये मेरा डेली का रिस्क रहेगा और 7 से 8 हजार हमारा डेली प्रॉफिट करने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपका यहीं पर कैपिटल जो है 10K है, ठीक है 10,000 है, तो इससे आपको क्या करना है कि आप दिन के 500 का रिस्क लीजिए और 1,000 का रिवॉर्ड।
ठीक है, आपको इस तरीके से काम में लाना है ये चीज। आप जैसे जैसे देखिए इन तीनों चीजों को जैसे जैसे आप फॉलो करोगे ना, कि दिन का लो कैपिटल है तो दिन का एक ट्रेड, ज्यादा कैपिटल है दिन का, अगर पहली ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ तो मार्केट से एग्जिट, पहली में लॉस हुआ तो दूसरी ट्रेड लेके, और अगर उसमें भी लॉस हुआ तो मार्केट से परमानेंट एग्जिट। ओके, और यहीं पर दोस्तों आपको बहुत हार्डन, बहुत ज्यादा ही मार्केट के अंदर समय देना पड़ेगा, और ज्यादा ही अपने आप को एकदम डिसिप्लिन रखना होगा। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख सकते तो मार्केट में आप ट्रेडर भी नहीं बन सकते, ये बिल्कुल साफ सी बात है दोस्तों। अगर आप मार्केट के अंदर अपने आप को डिसिप्लिन रखना नहीं जानते, ये काम आपको कितने दिन करना है, सिर्फ 30 दिन, लगातार 30 दिन, पूरे टोटल 30 दिन। ऐसा नहीं है कि ये तो मैंने एक महीना थोड़ी बोला आपको, आपको पूरे 30 दिन, 30 दिन लगातार, जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी पर आए, जैसे ही आपके पास कैपिटल है और जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड है, आपको रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करके चलना है दोस्तों। यही सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपको यही चीज बीच में अगर लॉस हो जाता है, बीच में अगर लॉस हो जाता है, तो आप कैसे ट्रेड करें, हमने एक वीडियो बनाई हुई है कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने की, आप कैसे लगातार पैसा बना सकते हैं मार्केट के अंदर, और जाकर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। और फिलहाल हमने यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 10K से 1 लाख तक का हमने चैलेंज किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाइए उस वीडियो को भी देखिए, पूरी एक प्लेलिस्ट चेक करिए कि कैसा हमारा माइंडसेट रहता है, कैसे हम ट्रेड करते हैं, बिल्कुल चुटकियों में ट्रेड हो जाता है और चुटकियों में ही लॉस हो जाता है। ऐसे ही मार्केट के अंदर आपको बने रहना है दोस्तों। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।